দশম শ্রেণীর প্রিয় ছাত্রছাত্রী মানে তোমার ইংরেজি পোয়ে ভিলেজ সঙ্গ রু আসবু থা সম্ভাব্য লং কোশ্চিন এবং তার আনসর সম্পর্কের আমি এই ভিডিওরে আলোচনা করা এখানে মুুদায় আঠটি কোশ্চিন দে এবং তার আনসর বুঝাই দেছি তোমার আসন্ড পরীক্ষার যদি প্রশ্ন আসে এই বিষয় এই আটটি মধ্যে আসব একজাট সেই কোশ্চিন আস নপরে কিন্তু তার পাখাপাখি কোশ্চিন টিকিয়ে চেঞ্জ করিদিপার किंतु तुम्हें यदि ठिक्रेक पढ़ी थी बुझिथ तेज तुम्हें जापर से प्रश्नटी आठटी मधर क्योंटी एक भिडियो शेष में तुम मन को बुझेदेवि कितु उत्तर यह आठटी मधर गोटे निश्चित एबे है न करी चला आरंभ क्वेश्चन नंबर क्वश्चिन्मर हु इज द पोट अफ भिलेज संग आ गोटे प्रश्न ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द पोएट अर्थात भिलेज सॉन्ग पोएम रो कवि किए से बा पोएट किए से एवं दि गोटे ब्रिफ डेसक्रिप्सन अर्थात संक्षिप्त बरणी कवि सम्पर्क उत्तर देख लेखाइ सरोजिन नायडू इज द पोएट अफ भेज सङ सरोजनी नायडू हेर्नु पोएट बा कवि भिलेज सङ पोएम्र सि वाज बर्ण इन हैद्राबा अन् फेब्रुअरी थर्टिन एटिन सेभेन्टी नाइन सि जन्मै हैद्राबाद नामक सहरे फेब्रुरी मास तेह्र तारिखेर ता अठर सय अनासी मसिहा सि वाज ए चाइल्ड प्रोडिगि सेथिले जने शिशु माननका पई लेखा लेखिर दक्षता रखुदिबा व्यक्ति एवं तासेते सेथिले फ्रीडम फाइटर अर्थात तो स्वाधीनता संग्रामी एंड ए पोएट एवं तत्सैते एक कबी सी गेव अप हर लिटरेरी कैरियर टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल लेड बाय महात्मा गांधी से गेव अप कर देतिले अर्थात त्याग कर देतिले छाडी देतिले तंकर भाषागत क्यारि को अर्थात से जो लेखाखी ले कवि थे ले, साहित्य थी से क्यारि को सी छाड़ दे जोगदेपी स्वाधीनता संग्राम से जो स्वाधीनता संग्राम लिडिंग महात्मा गांधी द्वारा सी ओाज द फास्ट इंडियान ओमेन टू बिकम द प्रेडेट अफ इंडिया न्यासनाल कंग्रेस अर्थात से थे प्रथम भारतीय महिला जी थ सभापति भारतीय जतिया कंग्रेस अर्थात जो दल भारत को स्वाधीनता आने शेही शेही ले से, ले से ही दल संगठन प्रथम महिला सभापति सी ओज अल्सो द फास्ट वमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश से थिले प्रथम महिला गवर्णर हो गवर्नर बुझुच कौन एक राज्य मुखिया एवं होबार और गवर्नर उत्तर प्रदेशर प्रथम करी सिज पपुलार्ली नोन आज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया जनप्रिय भाव लोक जाणी नाइट एंगल ऑफ इंडिया अर्थत भारत बुलबुल हिसाब से कारण सहत कवित लिखती सीथपे वा गीत लिखाण सैतीपै बुल होऊची एक गीत गाऊव चढे सी पास्ट आवे इन 1949, फोर्टी नन सी इहलीला संवरण कर अर्थात मृत्यूबरण करश क्वेश्चन नंबर टू हु आर द स्पीकर्स इन द पोएम भिले सग किएसु अटं स्पिकर्स या पोयम भे सगळे ह्वाट डू दे टक् अबाउट कण कथा कथहो উত্তর দেখ দ্পিকর্স ইন দোয়ে ভিলে সঙ্গ আর্ এ মদর আন্ড হর বিলভ ডটর স্পিকর মানে এই পোয়ে ভিলেজ সঙ্গে অটন্তি জনে মা এবং সেখানে প্রিয় কন্যা দে টকড ইচ অদর অবাউট ম্যারেজ সে কথা হলে পরস্পর মধ্যে ম্যারেজ সম্পর্কের বা বহ সম্পর্কের ইন দোয়ে মদর ওয়ান্টস টু সি হর ডটরস হ্যাপি ম্যারিড লাইফ এই পোয়েমে আমি দেখু মাটি চাহান্তি চাহাতে দেখি হ্যাপি বৈবাহিক জীবন বট দ ইং গর্ল ডজ নট উইস টু গেট ম্যারিড কিংবা যুবতী ঝিওটি চাহাতে নাহ করা ইন দিশ পোয়ে দদর পর্সুয়েডস এটি ইডি ডি লাগে বদলের এস করে দেব ইন দিশ পোয়ে দদর পর্সুয়েডসর ডটর টু ম্যারি এই পোয়েমে আমি দেখু মাটি রাজি করুক ঝিউ কু বহ করা বট ইন রিপ্লাই দ ডটর ডজ নট ওয়ান টু ম্যারি किंतु उत्तर झीओटी तार इच्छा प्रकाश करुच बिहार करना बिकज से कारण से कह दैट मैरिड लाइफ इज फुल ऑफ अनहापिनेस कि वैवाहिक जीवन अशांतिमय अटे अशांतिर परिपूर्ण अटे क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट डज द मदर क्वेश्चन टू द डॉटर इन द पोएम भिले संग कौन सबू माँटी प्रश्न करती झीओ को यही पोएम भिले संग्रे उत्तर देख ଦ ମଦର୍ ପୁଟ୍ସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଟୁ ଦ ଡଟର୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ ମାଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଝିଅକୁ ଏହି ପୋଏମ୍ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗରେ ଦ ମଦର ଆକ୍ସ ହର୍ ହ୍ୱେ ଆର୍ ସି ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ୍ ମାଆ ପଚାରନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ସେ ଯାଉଛି ଦ ମଦର ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ହୁଏଦର୍ ସି ୱଡ଼୍ କାଷ୍ଟ ଅଲ୍ ହର୍ ଜୁଏଲ୍ସ ସେ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ କି ତା'ର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ତା' ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି एंड लिव मदर हू हाज फेड हर डेलीसीयस फुड ए त्याग करदेव माँ को छाड़देव माँ को जे खुआई ताक उत्तम उत्तम खाद्य द मदर अल्सो आस्क हर हेदर सी उड लिव द लभर इन ग्रीफ माँ मद पचारती कौन त्याग करदेव कि वाड़ीदेव कि तार लभर को दुखें हुईज कमिंग टू म्यारिहर जे आसुच्छे बोश्चिन्मर फोर ह्वेर डज द डटर व्वट टू गो क्योंआड़े झीओटी चाहे जी चली एंड जांड व्व कहीं से चाहे उत्तर देख द डटर व्ंट्स टू गो टू द वाइल्ड फरेस्ट झीओटी चाहती चली घंच अरण्य घरण्य जंगल को सी डज नट व्वट टू गेट म्यारिड से चाहती ना बहुत करवाक सी व्व टू स्टे बैक् इन द दिलेज हुईच इज सराउंडेड बै न्याचराल ब्यूटिज से चाहती रही गाँवें जे गाँटी घेरी होगी प्राकृतिक सौंदर्य सी नेेभर ओंस टू लिव द फरेस्ट व्वेर चंपा बर्ड्स आर ब्लोईंग से के बे चाहे के छड़जी जंगल को जोठारे चंपा कढ़ी गुड़िक पवन दोहलुँस एंड द रिवर आईसिल्स इज फ्रिक्वेन्टली हंटेड बै कोएल्स और यार आईसिल नदी को जो नदी को बारंबार कोईली चढ़ई आसी थाए डिज रिभर्स एन्ड लेक्स आर् फुल अफ लोटस एन्ड लिज एठकार नदी ए ह्रद गुडिक पद्मफुल एहीँफुल परिपूर्ण अट्ने द म्युजिक अफ नेचर आट्राक्स टु गो टु द वाइल्ड फरेस्ट एठिक प्रकृति र सङ्गीत जङ्गल सङ्गीत आकर्षित गरु चालिज घन्च अरण्यमा निज घर छाडी जति त बाध्य को नम्बर फाइभ

ଇଜ୍ ଏନ୍ହାନ୍ସଡ଼୍ ବାଇ ଚମ୍ପା ବର୍ଡ଼ସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ବ୍ଲୋଇଂ ଅନ୍ ଦମ୍ପା ବକ୍ସ ଏହି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯାଇଛି ସେହି ଚମ୍ପା କଢ଼ ଦ୍ୱାରା ବା ଚମ୍ପା ଫୁଲର କଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ଧଉଲୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପା ଗଛର ଡାଳ ଉପରେ ଦ ରିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲେକ୍ସ ଆର୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲୋଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଲିଜ୍ ଏଠିକାର ନଦୀ ଏବଂ ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଏବଂ କଇଁଫୁଲରେ

ଏବଂ ଧୋବାୟା ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସନ୍ଦଲ ବା ଚନ୍ଦନ କାଠ ଭଳି ବାସୁଥିବା ଖାଲି ସମୟ ବା ଲିଜର୍ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତା'ର ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୟ ଦ ମଦର ହାଜ୍ ଅଲସୋ କେପ୍ଟ୍ ସିଲଭର୍ ଆଣ୍ଡ ସାଫ୍ରନ୍ ଗ୍ଲୋଇଙ୍ଗ୍ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ରୋପସ୍ ମାଆ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଝିଅ ପାଇଁ କିଭଳି ରୂପା ଏବଂ କେଶର ରଙ୍ଗରେ ଝଟକୁଥିବା ବିବାହ ପୋଷାକ ସି ହାଜ ମେଡ଼ ବ୍ରାଇଡାଲ୍ କେକ୍ସ ଫର୍ ହର୍ ଡଟର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍

সেগুলিক এঞ্জয়েবল অটে বলে উল্লেখ অনুসারে কোশ্চেন নম্বর সেভেন দ লাফ্টর অফ দ সুডে উইন্ড অফ ডেথ টুমোরো এই ফ্রেজটি বা সেন্টেঞ্সটি পোয়েম্রে লেখা যাই অর্থাৎ আজর সূর্যর হস কাল অটে মৃত্যুর পবন এক্সপ্লেন ইট এ লেখার অর্থক কু বুঝাই দি উত্তর দেখ দটর ডজ নট ওয়ান্ট টু ম্যারি আোয়েমে দেখাও ঝিউটি চাহুনা বিবাহ করি so she tells her mother that the bridal songs and cradle songs have no pleasure sethi paiseta maa ku kahuchi je tumme jeo bibhagita ebong dhobaya gita gudi ko anandara paripurna atebeli kahucho prakrutara sether ananda they are short lived se gudi ko short lived ate alpa samaya pai ate tapare dukha maadi asibo today the sun shines brightly with joy but it will get dark after that बर्तमान कि आज सीना सूर्य चमकुची उज्ज्वल किरण नहीं आनंद किंतु केते समय पर भविष्य परवर्ती समय पुणी अंधार सूर्य देखा देखाऊ न सो सी रि रिप्लाइज दैट टूडे हापिनेस इज गोईंग टू डाई सुन तेणु से सठिक भाव में उत्तर जे आज आनंद बहुत शीघ्र चली जी मरीज द मैटेल ब्यूटी नेभर लास्ट फर एवर ତେଣୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଚିର ସମୟ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିନଥାଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟଟି ଅଫ୍ ନେଚର୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଇଟର୍ନାଲ୍ ବା ଚିରନ୍ତ ନ ଅଟେ ବା ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆଠ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହାଉ ଆର୍ ଦାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ଲିଜର୍ସ କମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଟୁ ଦ ପ୍ଲିଜର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ନେଚର୍ ବା ଫେରିଲାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ ସାଂସାରିକ ଆନନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର ଆନନ୍ଦ ବା ଫେରିଲାଣ୍ଡର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରାଯାଇଛି ପୋଏମ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଦ ମଦର ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ କନଭିନ୍ସ ଅର୍ ଡଟର୍ ଟୁ ମ୍ୟାରି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଦ ୱାର୍ଲ୍ ଲିଜର୍ସ ସଚ୍ଜ୍ ବ୍ରାଇଡାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ କ୍ରାଡାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଣ୍ଡାଲ ସେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଲିଜର୍ ମା'ଟି ଚାହାନ୍ତି ରାଜି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯେ ସେ ବିବାହ କରିଯାଉ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରୁ ସାଂସାରିକ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଯେଭଳି କି ବିବାହ ଗୀତ ଧୋବାହିଆ ଗୀତ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଭଳି ବାସୁଥିବା ଖାଲି ସମୟ ଲିଜର୍ ସମୟ ବର୍ଦ୍ଧ ଡଟର୍

ঝিউটি চাহুটি চাল যা ঘন্ট অরণ্যু টু এঞ্জয় দ্য বিউটি অফ নেচর সে উপভোগ কর সেটার প্রকৃতির সৌন্দর্যু যেভর কি সচাজ রিভর ফরেস্ট্রিম নদী এবং জঙ্গলর ঝরনা লোটস লিলিজ পদ্মফু কই ফুল এঞ্জয় করব আন্ড চম্পা বডস এবং চম্পা ফুল সে দি দিজ হ্যাভ ইটার্নাল জয় সে যুক্তি করছে যে এগুডি করে এগুড়ে অিরন্তন আনন্দ আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা শেষ কলে যেমি ক'ত পৰীক্ষাৰে প্ৰশ্ন এই মধ্য আচিব প্ৰশ্নৰে সামান্য পৰিৱৰ্তন থাকে তুমি কিন্তু যদি এই আঠটিক ভাল ভাৱে বুজি যায় ত'লে তুমি জানিপাৰিব এই প্ৰশ্নটি মোৰ কেও প্ৰশ্ন অটে যে উদাহৰণস্বৰূপ যদি এক প্ৰশ্ন লেখা যায় হোৱাইট ডজ দ ডটৰ ৰিফিউজ টু মাৰি কাহি ঝিয় মনা কৰী বিবাহ কৰিব এই প্ৰশ্নটি অলৰেডি আমি আলোচনা কৰি চাৰিছে